वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिल्मी साइंस विद सस्ती मस्ती एपिसोड 3। जहाँ तुम्हारा कटेगा मजाक कर रहा हूँ, जहाँ हम साइंस के ऊपर बातें करते हैं बट थोड़ी सस्ते एंड गंदे जोक्स का तड़के का हाथ, या यहाँ पे गंदे एंड सस्ते जोक्स का तड़का लगा देते हैं। एंड आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड मैं मानता हूँ कि इसका जो एपिसोड 2 था वो लास्ट ईयर आया था, एंड आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट मेरी जान, बट आज का टॉपिक सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर अभी तक नहीं समझे तो मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले ओपेनहाइमर मूवी में जो एटम बम फोड़ा गया है ना, क्रिस्टोफर नोलन भैया जो अपने टीम के साथ क्रू के साथ लग के एटम बम फोड़े हैं ना, उस पर हम बात करने वाले हैं। लिटरली उन्होंने कैसे एटम बम को शूट किया, कितने फ्रेम्स पे शूट किया, कौन सा कैमरा यूज किया, कैसे कैसे सारी चीजें हुई, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। एंड ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। हमारा इसका एपिसोड 1 भी जो आया था क्रिस्टोफर नोलन भैया की मूवी से रिलेटेड था, एंड ये एपिसोड भी उन्हीं के मूवी से रिलेटेड है। तो भाई कुछ तो बवाल बात है इनमें, तो इनके थोड़े फिल्मोग्राफी के बारे में भी जानेंगे, एंड सारी चीजें ओपेनहाइमर मूवी में कैसे उन्होंने पहला न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन रिक्रिएट किया बिना किसी को हार्म पहुंचाया, इन सारी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक मैं रहना, एंड हां लास्ट में आकर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज के लिए वीडियो पूरा देखो, एंड क्रेजी सरप्राइज है भाई, तुम हंसने लगोगे, गाली भी दे सकते हैं मुझे कमेंट में, तो देखते रहो क्योंकि वीडियो छोटी होने वाली है। एंड वीडियो पूरा देखने के पहले लाल पीला हला नीला जो करना है कर दो, बस सफेद मत करना, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो जो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसे ट्रिनिटी एक्सप्लोजन बोलते हैं, एंड उस चीज को मूवी में रिक्रिएट किया गया लिटरली विदाउट वीएफएक्स एंड सीजीआई के, असली एटम बम गिरा के एक न्यूक गिरा के उसे फोड़ के उसे रिकॉर्ड किया गया। एंड पता कितने फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड किया गया? 2500 फ्रेम पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में वो कैमरा 2500 फोटोज खींच रहा था हर एक सेकंड में। यहाँ हम लोग 60 FPS की वीडियो कर लेते हैं तो वीडियो हल्की फ्लिटर करने लगती है भाई, स्लो मोशन में लगने लगता है। ये बंदा 2500 FPS पे अपने उस एटम बम के शॉट को पूरा रिक्रिएट किया, जो कैमरा वो पूरा राउंडेड कैमरा जो एक बार में 2500 फोटोज लेता हर एक सेकेंड, तुम सोच सकते हो उस बात को, इमेजिन करो हर सेकेंड में 2500 फोटोज, तब जाके वो एक सेकंड का फ्रेम बन रहा है, एक सेकंड का वीडियो लॉग बन रहा है। मतलब हम यहाँ पे एक सेकंड में 60 से 25 फोटोज के मैक्सिमम रखते हैं, एंड ये बंदा 2500 फोटो खींच। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर क्रिस्टोफर नोलन भैया, ये कोई पहली बार नहीं है। जो हमारा पहला एपिसोड था मैंने बताया इंटरस्टेलर मूवी में, पहली बार उनकी मूवी के चक्कर में ब्लैक होल का हमें असली फोटो मिला, हमें टाइम ट्रैवल के बारे में उस मूवी से पता चला, टाइम कैसे डिफर करता है ग्रेविटी के हिसाब से, इन सारी चीजों के ऊपर हमें जानने को मिला टाइम ट्रैवल से लेके एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मतलब जो भी तुम साइंस रिलेटेड बातें सोच सकते हो। एंड उस मूवी को अभी तक की मोस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट मूवी के लिस्ट में रखा गया, जिस पे वीडियो आ चुके वो तुम जरूर चेकआउट कर लेना। एंड इस मूवी को भी उसी तरह से कुछ बनाने की कोशिश की, मतलब लिटरली एक एटम बम का एक्सप्लोजन किया इन्होंने, असली एटम बम बना के। हाँ उसमें यूरेनियम 235 यूज नहीं किया गया जो कि एटम बम बनाने के लिए यूज होता है। अब उन्होंने क्या यूज किया इसकी तो पूरी अच्छी से इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, मैंने इंटरनेट पर छान लिया, तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए तो कमेंट में कमेंट कर देना। एंड ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टाइम ट्रैवल या फिर जो ग्राफिक्स से बैठ के बनाया जा सकता है वही बनाया गया, क्योंकि जो ब्लैक होल उन्होंने बनाई थी उन्होंने पूरी साइंस टीम बैठाई थी, कोडर्स की टीम बैठा के उसे बनाया गया था। एंड यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर बम डायरेक्ट फोड़ दिया, लिटरली वो मेक्सिको में गए, वहाँ पे अपना पूरा बेस सेटअप किया, वहाँ पर रेडिएशन वेडिएशन पूरा आगे उस जगह को सील्ड किया, एंड वहाँ पे एटम बम को ड्रॉप करके उसे शूट किया। एंड ऐसा नहीं, उन्होंने एक बार बोइंग 747 प्लेन को ही फोड़ दिया था, लिटरली टेनेंट मूवी के क्रिएशन में जो प्लेन फुटा ना वो असली अपने बंदे ने फोड़ा था, बम लगा के असली प्लेन को उड़ा दिया था लिटरली। मतलब सोच सकते हो कितना क्रेजी है मूवीज को लेकर हमारी तरह, मतलब हम तो इतना कुछ लेवल पे नहीं जा सकते लेकिन ये जाके पहुंच के ये सारी चीजें कर रहा है। एंड ये एटम बम को फोड़ने के रेस्पेक्ट में उन्होंने एक लाइन कही थी अपने इंटरव्यू में, पूरी मैं लाइन ही वो पढ़कर सुना देता हूँ। देयर वेयर बिग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, बिग प्रैक्टिकल चैलेंजेस, बट आई हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रू एंड रियली स्टेप्ड अप। इट विल बी अ वाइल बिफोर वी आर फिनिश्ड, बट सडनली एज आई वॉच द रिजल्ट कम इन एंड एज आई एम पुटिंग द फिल्म टुगेदर आई एम थ्रिल विथ व्हाट माई टीम हैज बीन एबल टू अचीव, क्रिस्टोफर नोलन इन एन इंटरव्यू विद टोटल फिल्म। एंड ऐसा इन्होंने यही सेम लाइन इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में अलग अलग वे में कही, एंड ये मुझे सबसे सटीक लगा तो बोला भाई ये बताता हूँ, जिसमें बोलना चाहते हैं इसमें बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे, उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, उन्हें बहुत लोगों से संपर्क करना पड़ा, अपने जो विजुअल आर्टिस्ट थे उनको हायर करना पड़ा, बहुत सारी चीजें उन्होंने सहा कष्ट सहा तब जाके ये एक शॉट निकाला गया। एंड मूवी में ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक दिखाया जाएगा, नहीं, जैसा कि हमारे टॉम क्रूज भैया करते हैं एक क्लिप से कूद गए थे अभी मिशन इम्पॉसिबल रेकनिंग के चक्कर में, वो शॉट मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का होगा, उसके लिए 6 महीने की मेहनत। एंड सेम चीज इन्होंने भी यही की है, यहाँ पे ये डायरेक्टर हैं, यहाँ पे एक्टर्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे डायरेक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है, एंड क्रिस्टोफर नोलन ये अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा इंटरनेट सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मुझे, मैंने इस वीडियो चक्कर में कितना रिसर्च किया एंड मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि भाई कैसे इन्होंने एटम बम बनाया। लिटरली हम जहाँ तक मैंने पढ़ा जितना ही मैंने रिसर्च किया, एटम बम में यूरेनियम 235 बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को शुरू करता है, जो कि एटम बम का फटने से लेकर उसके पूरे इफेक्ट को दिखाने के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से शूट्स के फोटो वायरल हो रहे थे, ये तो भाई बम फूटा नहीं, एकदम पास में खड़े हैं तो रेडिएशन इफेक्ट नहीं कर रहा था, जिससे मैंने एक अंदाजा लगाया कि भाई इन्होंने यूरेनियम 235 यूज नहीं किया है, पर क्या यूज किया ये भी इन्होंने नहीं बताया। मे बी ये इस चीज को हाइड करना चाहते हैं, इससे अपनी लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। बैकग्राउंड इसको माफ करना, थोड़ी बड़ी वीडियो बन रही है क्योंकि मुझे बाहर जाना है,
है तुम्हें पता चल गया होगा, कमेंट कुछ चेक कर लो। सो बैक टू टॉपिक, तो मैंने इंटरनेट पूरा छाना एंड मुझे बस इतना ही पता चला भाई, एंड जो चीज मैंने पढ़ी इतना पता चल गया भाई, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का इन्होंने यूज किया लेकिन यूरेनियम 235 यूज नहीं किया, जिसके चक्कर में रेडिएशन वाला मामला हट जाता है। एंड थोड़ी बहुत चीजें हुई होंगी उसके लिए उन्होंने सेफ्टी मास्क वगैरह सारी चीजें पहने होंगे जिसके कारण वो बच गए, क्योंकि भाई जिस तरह पूरा एक्सप्लोजन का शॉट दिखाया बहुत लोगों को ये बहुत खूबसूरत लग सकता है। पसंद है मुझे छोटे छोटे होल्स वाले चीज देख के बहुत फिटनेस आती है, अगर तुम्हें भी आती हो तो कमेंट करके बता, मैं फोटोज दिखा रहा हूँ एडिट करने में मेरी फिट रही है। सो मैंने बोला था लास्ट में सरप्राइज है तो तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया। वीडियो मैंने क्या बोल दी तुम्हें एटम बम कैसे बनाया इन्होंने, कैसे थोड़ा शूट करेंगे तो मैंने प्रोसेस बता दिया, कैमरा बता दिया, कैमरा तुम्हें लिखा हुआ दिख गया होगा, मैंने नाम नहीं लिया था भूल गया था मैं, लेकिन तुम्हारा कट गया। मैंने ये नहीं बताया कि एटम बम कैसे बनाया क्योंकि मेरा खुद कट गया, मैंने स्क्रिप्ट लिख ली सारी चीजें कर, लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मैंने नहीं दी। बाकी जो इसके पहले दो एपिसोड है वो प्लीज जरूर चेकआउट करना, वहाँ पे सस्ती मस्ती भी है, आपको ज्ञान भी अच्छे से दिया गया है, तो वो दोनों एपिसोड तो मस्ट पहुंचा एंड भाई मजे आएंगे एक अवतार के ऊपर एंड एक इंटरस्टेलर मूवी के ऊपर। एंड ये तीसरी है जो कि ओपन हैवर मूवी जो कि आने वाली है, मूवी आने तक अगर इसके पूरे इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम मूवी देखने के टाइम देख रहे हैं एंड अभी लेटेस्ट देख रहे हो। एंड देखो एक दो वीडियो देखो, अगर चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुम्हें नहीं बोला कि यही वीडियो देख के तुम सब्सक्राइब कर लो, अगर तुम्हें कोई वीडियो अच्छा लगे चैनल पे गो थ्रू कर लो, तुम्हें जो भी चीज अच्छा लगे जो खराब लगे कमेंट कर जरूर बता देना। एंड और कुछ नहीं, खुश रहो मुस्कुराते रहो, मूवीज एंड वीडियोस आते जाते रहेंगे। चमकान चली गई तो वापस नहीं आ रही।